यहाँ से मुनारी आप देख सकते हैं 1 किलोमीटर दिखा रहा है, और ये जो रास्ता है ये जो देख रहे हैं आप, ये बाबतपुर चौबेपुर वाला रास्ता है जिसके बीच में मुनारी बाज़ार पड़ता है। तो हम चल रहे हैं मुनारी बाज़ार। तो आइए फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्रेजी सफ़र। और यहाँ से निकलते हैं और चलते हैं, आपको दिखाते हैं मुनारी बाज़ार, जो कि यहाँ से जहाँ मैं खड़ा हूँ यहाँ से 1 किलोमीटर आगे पड़ता है। तो ये मुनारी बाज़ार का पेट्रोल पम्प, यहाँ से मुनारी बाज़ार की शुरुआत हो जाती है, ये आप देख रहे हैं, और सामने आगे मुनारी बाज़ार है। और ये मुनारी बाज़ार का फील्ड है जहाँ बालक जी का, महाराज जी का ये मंदिर है, बालक दास जी महाराज जी का ये मंदिर है। और ये आप प्रांगण देख सकते हैं, जो कि यहाँ पे लोग आते हैं खेलने वालने के लिए और शाम के टाइम। और ये वैसे तो प्रांगण है पूर्व माध्यमिक विद्यालय मुनारी बाज़ार का, और आप देख सकते हैं यहाँ पे फुटबॉल के लिए भी कोर्ट बना हुआ है और इधर वॉलीबॉल के लिए भी बना हुआ है। तो शाम के टाइम यहाँ पे जब लोग आते होंगे तो काफ़ी भीड़ हो जाती होगी। सुबह का वक्त है तो मैं सुबह के टाइम, इस समय 9:30 बज रहे हैं, तो 9:30 बजे आपको ये मैदान कुछ खाली खाली सा लग रहा है, और शाम के टाइम यहाँ बच्चे बच्चे आ जाते होंगे, भीड़ बहुत हो जाता होगा। प्राइमरी विद्यालय भी है यहाँ पर। तो ये मुनारी बाज़ार में सटा हुआ मार्केट के पास में ही अंदर की तरफ का व्यू है, और ये वो मंदिर है जो मैं बता रहा था आपको, कुछ ऐसा व्यू लगता है यहाँ का। ये जो देख रहे हैं ये लोगो लगा हुआ है मुनारी बाज़ार का, और ये मार्केट है। और आगे चलेंगे तो इंटर कॉलेज भी है, आगे से आप सारनाथ के लिए भी जा सकते हैं और आगे से आप मोहाँ के लिए भी जा सकते हैं। तो आइए आपको आगे चल के आगे का भी व्यू दिखाते हैं। रोड पे एक मंदिर है, और ये देख रहे हैं प्राइमरी स्कूल है जो कि मुनारी का, और ये प्राइमरी स्कूल कॉन्वेंट स्कूल में कन्वर्ट हो चुका है, और ये रास्ता आगे बाज़ार की तरफ जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस जगह की मैं बात कर रहा था, ये वो है मुनारी बाज़ार का चौराहा, और सामने से ये मंदिर है जो पिकअप में निकल के आ रही है, वो सारनाथ की तरफ से आ रही है। ठीक सामने वाला रास्ता रौनक कला होती हुई बेला होती हुई यहाँ चला जाएगा। यहाँ पे दिखाया भी है कि सारनाथ यहाँ से 12 किलोमीटर है, बाबतपुर 23 किलोमीटर, रौनक कला 1 किलोमीटर। तो ये डिस्टेंस आपको यहाँ से दिखी रही है, और ये चौराहे के पास जो मुनारी चौराहा है वहाँ का छोटा सा ये मार्केट है, बाहर का हिस्सा है जहाँ से हम बावतपुर और मोहाँ की तरफ जा सकते हैं। पर यहाँ से बावतपुर की दूरी 23 किलोमीटर है, मोहाँ यहाँ से करीब 5-6 किलोमीटर पड़ेगा। अगर आप इस तरफ जाना चाहेंगे तो ये चला जाएगा चौबेपुर की तरफ, और चौबेपुर की डिस्टेंस जो है मुनारी से वो लगभग 5 किलोमीटर की पड़ती है। मुनारी से आप रौनक कला भी जा सकते हैं और सारनाथ की तरफ भी जा सकते हैं। तो ये रौनक कला देख रहे हैं 1 किलोमीटर, सामने चौबेपुर 6 किलोमीटर, और इधर चले जाएँगे तो ये सारनाथ की तरफ चला जाएगा। सारनाथ का डिस्टेंस यहाँ से 12 किलोमीटर, और ये यहाँ पे मुनारी का ये चौराहा है जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, और ये बस आ चुकी है देख रहे हैं। और ये जो बस की सर्विस चलती है ये बाबतपुर से चौकपुर के लिए चलती है। ये रास्ता चला जाएगा मुनारी से रौनक कला की तरफ। तो और इधर आप देख ही रहे हैं, मुनारी बहुत बड़ा बाज़ार नहीं है, छोटा बाज़ार है। यहाँ पर आबादी भी धीरे धीरे आ रही है, बस रही है। तो फ्रेंड बस, और ये था मुनारी का छोटा सा वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो इसको लाइक करिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तब तक फ्रेंड, टिल देन, अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़, सत श्री अकाल, नमस्कार।